यूपी में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ लगातार छेड़छाड़ और क्षतिग्रस्त होने की खबरों के बीच मूर्ति के रंगों पर खेली जा रही राजनीति अब विवाद बनती जा रही है। अब अंबेडकर की प्रतिमा को सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। ताजा मामला शहर के गद्दी चौक स्थित अंबेडकर पार्क का है, जहां पर एक छोटे से पार्क में अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस ने अंबेडकर की मूर्ति को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया है, ताकि मूर्ति सुरक्षित रह सके। मूर्ति की सुरक्षा के लिए एक होमगार्ड भी तैनात किया गया है। अंबेडकर की मूर्ति को पिंजरे में कैद करने का यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अब महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा पिंजरे में कैद करके होगी? इनकी सुरक्षा के लिए तीन लोग लगा दिए गए हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे में तीन गार्ड रहते हैं। बदायूं से सौरभ शर्मा के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।